यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से। खबर फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर इलाके से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि फिरोजाबाद जिले में नशे के कारोबार की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। पुलिस ने एक खुलासा कर मादक पदार्थ तस्करी की एक बड़ी खेप को पकड़ा है, जिनसे कब्जे में आया आधा दर्जन देसी तमंचा कारतूस और एक कार भी बरामद की है। एसएसपी अजय कुमार की माने तो पकड़ा गया नशे का सामान फिरोजाबाद और मथुरा में 20 स्थानों पर सप्लाई होना था। आइए जानते हैं एसएसपी अजय कुमार पांडे से। गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, इस गैंग के कुल 8 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं पुलिस मुठभेड़ में। इनके कब्जे से 4 क्विंटल 58 किलो यानी कि 458 किलोग्राम बहुत ही हाई क्वालिटी का गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा आंकी जा रही है। ये जो 8 बदमाशों का गैंग गिरफ्तार किया गया है, इसमें 3 बदमाश उड़ीसा के अंगुल ज़िले के रहने वाले हैं, बाकी 5 बदमाश हमारे मथुरा जनपद के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये पूरा कंसाइनमेंट गांजे का 458 किलोग्राम का जो ये गांजा था, ये उड़ीसा के नक्सल प्रभावित ज़िले मलकानगिरी से तस्करी करके अंगुल लाया गया था। फिरोजाबाद पुलिस की स्वाट टीम, जिसका नेतृत्व कुलदीप सिंह कर रहे थे, साथ ही साथ हमारे एसपीआरए राजेश कुमार, सीओ सिरसागंज इंदु प्रभा से और थाना नसीर है, पूरी टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। जबकि आगरा रेंज के और आगरा जोन के हमारे उच्च अधिकारी गणों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। अभी हमको पूरे रैकेट को इसको नेस्तनाबूद करना है, अभी टीमें लगी हुई हैं, इस पर आगे भी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़ी उत्तर प्रदेश से।